अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आखिर काफ़ी अरसे के बाद हमारे सेटअप और ख़ास तौर पे कबूतरों के सेटअप में एक न्यू गुड न्यूज़ आई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद पहचान रहे हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ है। तो हाँ जी दोस्तों, ये देखें, ये दो कबूतर हम न्यू लाए हैं और हमारे दो कबूतर अब हमारे साथ नहीं हैं, वो चले गए हैं। मेरे दोस्त, मेरा कज़न एक भैया मेरा, तो उसको मैंने दे दिए, तो अब वो हमारे साथ नहीं है। वो कबूतर मैंने बेच दिए, एक उधर है, इधर एक अंकल है जिनको हमने बेच दिया वो कबूतर दो, ठीक है दोस्तों। और ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे तो हिसाब से जो मुझे मेल लगते हैं दोनों, बाकी अल्लाह जाने ये हैं क्या, मुझे तो ये दोनों मेल लगते हैं क्योंकि ये हिसाब से मुझे तो मेल लग रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में, आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है आपको कैसे लगे हैं। ये देखें, ये दो हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे, दोनों के पाँव में बाल हैं, भी दोनों प्यारे। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों मेल हैं या फिर इनमें कोई एक फीमेल है। तो दोस्तों, अभी भी मैं चूल्हे को बंद करके आ रहा हूँ कि बहुत गलत आदत लग गई है इनको, जारी साइड थोड़ी सी फट गई है और दोबारा बार बार बाहर निकल आते, तीसरी बारी, एक बारी मैंने किया, दोबारा भी मैंने दबाती, अभी मुझे वापस आया था पानी पीने जा रहा था, दोबारा ये बाहर निकले हुए थे। तो मैं चल के आपको इनको खोलता भी, और हमारे दोस्तों, हमारे चूजे ना, वो जो है देसी, वो थोड़े बीमार हो गए, रात को उन्हें सर्दी लग गई है, तो आप इनको मैं धूप में रखा तो आप काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं आपको चल के चलते दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं इन सबको लेके बाहर आ चुका हूँ और ये बदतमीज के बच्चे बार बार बाहर निकला, जैसे ये माँ पैसे बच्चे, तो पहले माँ बच्चों को ही खोल देते हैं। तो ये थोड़ा घूम लेगी क्योंकि ना, ये जब मैं इन्हें खोलता हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर अलग अपने खोलता रहूँगा। दोस्तों, ये वाला मेल, ये हमारा एक मुर्गा है, ये वाला वाइट वाला, ये थोड़ा बीमार हो चुका है, ये वाला मुर्गा बीमार हो चुका है, तो इसको सर्दी लग गई थी, तो हमने इनका काफ़ी इलाज कराने की कोशिश की है। तो अब इन्हें धूप में भी रखा, तो ये काफ़ी धूप में मैंने रखा तो फ़ौरन ये लेट गया धूप सेकने के लिए, तो मे पानी भी ख़त्म हो गया, पानी लेके आओ यार, पानी 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 भी देता हूँ, डालता हूँ इनको, दाना भी ख़त्म हो गया दोनों का, तो इनको फीड और इनको दाना, मुझे लगता है फीड से भी इनका कुछ ना कुछ रोला हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फीड के अंदर भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। अगर फीड का मसला है तो फिर तो फीड ख़त्म करनी पड़ेगी, फीड में तो आज भी हमने दाना डाला तो फिर दाना थोड़ा गर्म भी होता होगा, तो ऐसे दाना की वजह से या फीड में आज के बाद नहीं डालूंगा इनको, तो फीड का मुझे लग रहा है फीड की वजह से होगा। अभी तो सिर्फ एक हुआ, काफ़ी बेहतर है ये, काफ़ी सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ये देखिए नीचे घुस गया, ओ भाई, ओए ओए घुस गया यार, नीचे घुस गया, क्या हुआ है, क्या हुआ दोस्तों, ये सारे नीचे घुस गए हैं, मैं मुर्गी को पता नहीं क्या हो गया, ओ इधर आ, ओ यार नीचे घुस गया, पहले इधर ईंट रख देता हूँ, तो फिर ये मैं पानी, ओ ये भी खुल गए, फिर ऊपर से पानी डाल, पहले थोड़ा साइड करना पड़ेगा, सारे चूते नीचे चले आए हैं यार, थोड़ा भी गए, क्या हुआ है, ओए 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 क्या मारा मारा उसने दोस्तों, ये चूहे, ओए ओए इधर आ, मुर्गी को बंद कर, मुर्गी को बंद कर, मुर्गी, तो दोस्तों ये इस फार्म में चूजे खुल गए थे और ये पागल हो गई है मारने के लिए उनको, ओ भाई साहब इतनी जोर से इसने मारा, छोटे चूजा, चूजा कहाँ गया, पता नहीं चूजा, बस सही हो यार, इतना इतना जालिम यार, क्या यार, छोटे है तेरे बच्चे से भी यार, उससे ये फिर रहा है, सही है देख लो, हाँ सही तो लग रहा है मुझे, ओए ओए ये देखिए, ओए यार अल्लाह माफी यार, तो इनको बंद रखना ही बेहतर है मेरे हिसाब से, इनको मैंने पानी डाल दिया, मैं इनको बंद कर देता हूँ, चलो अंदर जाओ, ये देखिए दोस्तों ये है, इसको लगे कहीं लगा था कुछ नहीं यार, ये सही है, तो ये सब पे पागल हो रही है, ये देखिए बहुत गुस्सा दिला रही है मुझे यार, हमारी इतनी प्यारी शरीफ मुर्गी आज ऐसी हरकतें कर रही है, इसको डांटने और मारने का दिल करता है यार, आखिरी चूजा कहाँ गया, ये रहा, ये हमारी मुर्गा है, तो मैं इसको पकड़ के बंद कर देता हूँ, फाइनली इसको मुश्किल से मैंने पकड़ा है इतनी इतनी ख्वारी के बाद, और यस दाना मैं इनका ले आता हूँ, और ये सील के बच्चे तो यार सारे नीचे चले गए हैं, इनके लिए ईंट लगानी पड़ेगी यार, बड़ा तंग करते हैं, इनके लिए ईंट लगा दिया इनको बाहर निकाल के, तो अब ये उम्मीद है कि नहीं जाएंगे, ओ शरारती हो अंदर नहीं जाना। तो दोस्तों, कल का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, कल हमारे दो चूज़े हमें छोड़ के चले गए,
अब तो हमारे साथ नहीं है, उम्मीद भी यही है कि वो बिल्ली खा गई होगी। तो उसके लिए मैं आपसे ही मदद चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि मैं, कौन चाहेगा कि अपने चूहे अपने प्यारे जो हाथ में उसने पाले हैं, ये इसकी हरकत है देखो इधर, जो चीज़ उसने हाथ में पाली है वो खो जाए या फिर गुम हो जाए, कोई चोरी कर जाए, खा जाए, मर जाए, तो कोई चाहेगा नहीं। तो इसलिए मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। और दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि हमारे कबूतर आपको कैसे लगे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं। यार सारे घुस गए इधर भाई, इधर क्या क्या बट रहा है, वो एक अंदर घुस गया, वो एक अंदर घुस गया, दोबारा अंदर घुस गया यार। तो इन सबको दाना डाल देते हैं, सारे दाना इस फार्मियों को भी डाल देता हूँ, इनको मैं बार बार फार्मी कह देता हूँ, लेकिन ये है देसी, इसके अंदर एक फार्मी है, लेकिन एक फार्मी की वजह से मैं सबको, ओ यार बाहर ना, ओए बाहर ना, अभी देखा नहीं तुमने तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हाल किया इस गद्दी मुर्गी ने, ये देखो ये हरकतें देखें, ये अब तो खाने मसरूफ हो गई है, नहीं तो गंदे हैं। इसके बच्चों को बंद कर देते हैं यार, नहीं तो इसने तबाही मचा के रखनी है, इन सबको बंद कर देते हैं, खा लेंगे ज़रा, ये देखिए आ गया लड़ने। अरे भाई मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम भी इधर चलो, खाना नहीं खाना, चलो खा लो फिर खोल देते हैं। टाइम हो गया आपको अपनी असील मुर्गी भी नहीं दिखाई, और इसके बच्चे भी निकलने वाले हैं तकरीबन एक से दो दिन तक, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए तो, कि मेरी असील मुर्गी के बच्चे और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश। मुर्गे को मैंने नीचे छोड़ दिया, क्या नाम है, मुर्गी के साथ थोड़ा वो इधर उधर घूम लेगा, मुर्गी तो पिंजरे में ये खुला रहेगा। आपको आखिरी बार ये अपने कबूतर दिखा रहा हूँ, मतलब कि इस वीडियो में आखिरी बार दिखा रहा हूँ, तो दिखाता रहूँगा, एक ये ऊपर वाला और ये। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये आज ही बताना है कि आपको मेरे कबूतर कैसे लगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल लाइव अपडेट जानने को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कबूतर कैसे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं, आपने भी बताना कैसे हैं। तो अभी के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, हो लड़ भी रहे हैं ये तो, पानी पूरा, हाँ दाना पानी पूरा यार, इसको भी कहीं ठिकाने लगाते हैं अब हम।